यार मेरे पीछे का नजारा देखिए यार, कितना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको क्या बार बार अच्छा अच्छा बोलो, लेकिन so nice to drive a manual car, I love it. I love it. Yeah. You lose all the fun with that. बहुत सारी फोटो लेने के बाद अब हम चलते हैं सनसेट देखने। सनसेट नहीं बहुत ज्यादा है भाई, व्यू देखिए, व्यू देखिए कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो, ऐसा आप कभी ना कभी फोटोज और पिक्चर में कहीं ना कहीं देखे ही रहोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए कंट्री से, ग्रीस से। और भाई मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त हूँ सेंटोरिनी में और ये मेरा सपना था भाई, मैं और यहाँ फाइनली पहुंच गया। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं। और ये आज मेरा दूसरा दिन है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई, हम यहाँ से कार रेंट करेंगे क्योंकि मेरे साथ दो मेरे हॉस्टल के फ्रेंड हैं जो मुझे वहाँ मिल गए थे, तो उनके साथ मैं कार रेंट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई अगर आपको कार रेंट कर रहे हैं सेंटोरिनी में यहाँ पर तो कितना प्राइजेज होंगे। और आज आपको सेंटोरिनी का टूर देंगे, कुछ प्लान नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आप लोगों को टूर देंगे, बहुत सारी जगह दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो भाई, ये मेरा हॉस्टल इस तरफ है, इस तरफ मेरा हॉस्टल है। और सारे जगह देखिए भाई कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सारी चीज़ें यहाँ वाइट है एंड मलेशिया एंड दिस निकोलस। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, हाउ आर यू? आई एम 23 and I cannot drive like this side, yeah, because in India it's different side. You cannot drive? Okay. I can drive, but it's in India, the steering is in like in London. Yeah, like in London. You don't know how to drive the manual. It's so nice to drive a manual car. Yeah, no, you should. So nice to drive a manual car. I love it. Automatic. I love it. Yeah. You lose all the fun with the. Yeah. तो यार आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको यहाँ कार ड्राइव करना है तो आपकी एज मिनिमम 25 होना चाहिए और मेरी 25 है नहीं, तो इसलिए जो मेरे साथ में मेलिसा है वो 32 है और उसके पास US का लाइसेंस है। इंडियन लाइसेंस पे आप यहाँ नहीं कर सकते हो कार रेंट, या फिर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए या फिर आपको किसी और कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। इंडियन लाइसेंस पे आप रेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो अलग होता है, स्टेयरिंग दूसरे साइड पर होती है, तो ये एक जेन्युइन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये सारा पेपर वर्क करिए जब तक मैं आप लोगों को भाई यहाँ के स्ट्रीट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, मतलब कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा डिफरेंट है बस दूसरी कंट्रियों से, जैसे स्विट्ज़रलैंड इटली वहाँ से काफ़ी अलग है। और जगह देख सकते हैं यार, मेरा हॉस्टल बहुत ही अच्छी जगह पर और इस तरफ बीच है, अराउंड 100 मीटर बस यहीं पर बीच है और पीछे पहाड़ और सारा एरिया देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर पेपर वर्क हो रहा है, जैसे ही ख़त्म होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना क्या कैसे जो भी लगा सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो यार हो गई ये सारी डील, 50 यूरो लगे जो होते हैं 4000, जो कि ठीक है भाई ऑटोमेटिक के लिए। अगर आपको मैनुअल लेना है 230 यूरो तक आ जाएगी, लेकिन आपको ऑटोमेटिक लेना है तो 50 यूरो लगेंगे। तो ये कुछ कार है, एकदम न्यू कार है और देख सकते हो मतलब कहीं भी स्क्रैच लेस है एकदम। ये देखिए, और जैसा कि यार आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी आप गाड़ी मोटर कुछ भी रेंट कर लो, चाहे स्कूटर हो चाहे कार, एक चीज़ का बराबर ध्यान रखना कि आप उसका वीडियो बराबर बना लो क्योंकि बाद में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ बराबर ध्यान रखना। अगर ये रहेगी सवारी आज की हमारी और वेदर काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो। तो भाई कार लेके निकल गए हैं और मेरे को तो डर लग रही है इनके साथ बैठने, लेकिन क्या है मजबूरी में ये थोड़ा सा वो लेना पड़ता है। अच्छा एंड शी हैज बीन टू इंडिया फॉर 2 वीक्स। So much city in just 2 weeks. Oh, I'm lassy. Yeah. So which food do you like in India? Like pani puri and momo. Mm-hmm. And lassi everything. And I forgot the names. And that khichdi. Khichdi. Khichdi pasand hai bhai. So bhai, aap logo ko pehli jhalak mil gayi hogi Santoroni ki. Ye dekhiye bhai. बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। ये देखिए भाई, वो देखिए। तो भाई वहाँ जाने से पहले गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना भाई, 50 यूरो की गाड़ी ले लें कुछ तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ये एक पेट्रोल पम्प पे आए हैं, ये देखिए भाई, ये कुछ एक जंगल से उसमें है और इधर का यहाँ से डायरेक्ट समुंदर है। ये व्यू के साथ है इधर पेट्रोल पम्प, हमारा गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे और फिर
ये सारा कुछ एंट्रेंस है टाउन की, और यहाँ जैसे हर नॉर्मल जगह होता है ट्रैफिक यहाँ भी बहुत ज्यादा थी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो यार ये देखिए यहाँ पे ये घोड़े बहुत चलते हैं क्योंकि बहुत फेमस है यहाँ हॉर्स राइडिंग, और ये और भाई घोड़े हैं कि गधे हैं यार इतने, मतलब मुझे तो गधा लग रहा है भाई। और ये कुछ है फीरा टाउन का सेंटर, सिटी सेंटर, ये देखिए। तो हमको भी चलना है ये घोड़े के पीछे पीछे, घोड़ा है कि गधा है क्या बता। इज इट डोंकी? दिस इज डोंकी। भाई कितने बड़े गधे हैं, ये डोंकी है। आई थॉट इट वॉज हॉर्स। ओह देयर। और ये देखिए यार कितना ही खूबसूरत सा ये है घर है कि क्या है। भाई ये फीरा टाउन का रोड देखिए यार कितना ही ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ऐसा स्लोप पे बना हुआ है और कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। भाई मैं आपको क्या ही समझाऊं, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये देखिए हमारे दोनों पार्टनर आगे चल रहे हैं। भाई इतनी सारी हवा चल रही है कि भाई मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ, आप देख सकते हो इतनी हवा चल रही है। तो यार अब आके बैठे हैं हम एक जगह पे, क्योंकि मैं रास्ता आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि भाई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, आवाज़ पूरी कट जा रही थी। तो हम आके बैठे हैं फीरा टाउन में जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख ही सकते हो पीछे का सारा व्यू जो सेंटोरिनी अब फोटोज़ में देखते हैं तो वैसे ही है बिल्कुल। और यहाँ बस खाने बैठे हैं थोड़ा सा, यहाँ मैं बकलावा मंगाया था कॉफ़ी एंड व्हाट यू ऑर्डर्ड? सेंटोरिनी पास्ता एंड विद। हाँ हाँ तो यार खा पी के हो गया है, अब बिल दे दिए हैं, बस वो पैसा लेके आते तो रिटर्न चलते हैं। तो आप लोगों को मैं जो आते हुए नहीं दिखाया फीरा टाउन, वो अब दिखा देता हूँ आप लोगों को क्योंकि खा पी के हो गया है, हमारा चेंज आ रहा है यार, आ गया है चेंज वेंज। सो हाउ वाज द फूड? आई जस्ट हैड द कॉफी एंड बकलावा। तो ये रेस्टोरेंट में देखिए यार कितना सारे अनार उगे हुए हैं, मतलब कितने ही नीचे और कितने ही फ्रेश लग रहे हैं यार, तोड़ तो नहीं सकते नहीं है। तो भाई निकल गए हैं हम वो रेस्टोरेंट से, बहुत ही प्यारी जगह है भाई। मैं अभी हवा थोड़ी कम हुई तो आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, और मतलब अभी देखिए फिर हवा स्टार्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा हवा है और बहुत ही प्यारा सा टाउन है भाई। आप देख सकते हो मतलब हर चीज़ ऑलमोस्ट ज़्यादा वाइट है, ये देखिए। और सुवीनियर तो भाई आपको हर जगह देखने मिलेंगे। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, सबसे मेन टाउन है जो सेंटोरिनी का ओया टाउन, वहाँ चलेंगे। तो यार एक बात आप लोगों को बता दूँ, हम लोग को मालूम ही नहीं कि हमारी कार कहाँ है, तो अब ये ढूंढना है भाई कि कहाँ पार्क किए हैं। यहाँ कुत्ते देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं यार, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं गधे हाइब्रिड है दोनों, ये देखिए भाई घोड़े और गधे मिक्स है भाई, हाइब्रिड हैं, बहुत ही ज्यादा हाइट में बड़े हैं भाई, और हर थोड़े टाइम पे यहाँ से आ रहे हैं। तो भाई मेरे दोनों साथी पी लिए हैं और उनको मालूम ही नहीं कि कार कहाँ खड़ी करें, मैं तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाई मैं चलाना नहीं हूँ, तो कार ढूंढ रहे हैं कब से। अब कौन सी पार्किंग में, जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी पार्किंग है, और पीछे समुंदर देखिए भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पहले क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इतनी हवा चली थी, देखिए अभी भी हवा चल रही है, तो उसमें कैसा कि भाई आवाज़ ही प्रॉपर नहीं आती है। तो देखते हैं भाई ये पार्किंग में गाड़ी मिलती है या नहीं। आर यू श्योर इट्स हियर? ओके उधर कहीं है दूर पे ओया टाउन, और ये हमारी गाड़ी। इफ यू वांट टू सिट इन फ्रंट यू कैन सिट। चलिए भाई, तो भाई हम निकल गए हमारे सबसे मेन डेस्टिनेशन के लिए ओया टाउन, और यहाँ के रोड और यहाँ के घर देखिए ऑलमोस्ट जो है वो सारे वाइट हैं, मतलब एक वो बना के रख दिए कि वाइट ही करेंगे कलर, देखिए कितना ही ज्यादा खूबसूरत लगता है उसकी वजह से। तो हम जा रहे हैं सबसे मेन टाउन ओया, जो कि बहुत पहाड़ पे और सबसे एंड है यहाँ का। ये देखिए भाई हमारे ड्राइवर भी मेरे को भरोसा तो नहीं है, लेकिन हम चल रहे हैं। कनिका कपूर, यू लव कनिका कपूर? आई लव कनिका कपूर, शी इज रियली नाइस, नाइस पर्सन। तो भाई हम रुक गए हैं थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए, ऐसा व्यू दिखाना है आपको क्या बताऊं, मेरा फोन उड़ा कि कार पीछे खड़ी हुई है और कहां आके खड़े हैं हम, ये देखिए भाई ओह डायरेक्ट नीचे है पूरा, और हम कोने में आके रुके हुए हैं, कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हो। और ये डायरेक्ट उधर से देखिए पूरा नीचे स्लोप किया हुआ है, और ये पहाड़ चारों तरफ है हमारी गाड़ी, और नीचे का समुंदर देखिए यार क्या ही खूबसूरत लग रहा है। ओए फोन उड़ जाएगा। चलते हैं वापस। तो भाई अब हम एंटर हो रहे हैं ओया टाउन में, और जो कि बहुत खूबसूरत है भाई, जो आप देखते थे ना फोटो में सेंटोरिनी वही है भाई, मतलब जो फोटो देखते हो बेसिकली यही मेन ओया टाउन है, इसका फोटो होता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड शी लाइक्स कनिका कपूर सॉन्ग।
तो मैं कनिका का पूरा गाना सुनते सुनते आए और ये देखिए यार, ये देखिए, मतलब जैसा आप देखते थे वैसे ये खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल राइट। इधर देखिए भाई, ओके पार्किंग लॉट, नो वी हैव टू सर्च द बिग पार्किंग एरिया, या वी कैन नॉट पार्क हियर। ये देखिए भाई घर और ये सारी चीजें देखिए। तो हम पहले पार्किंग की जगह ढूंढते कि भाई गाड़ी पार्क कहाँ करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। पूरा शाम हमको यहीं रहना है, पूरा आराम से रहेंगे, कोई वो नहीं है, आराम से यहाँ पूरा हमको दिन काटना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते रहेंगे कि आप नॉर्मल कहीं भी पार्क नहीं कर सकते, आपको 100 यूरो का फाइन पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई एक बड़ी सी पार्किंग लॉट है बोले, वहाँ खड़ी करोगे तो चार्ज नहीं है, वहाँ पे पार्क कर लेना और आराम से स्पेंड करना इवनिंग अपनी, ऐसा हमारे गाड़ी वाले बोले थे। तो यार हम जा तो रहे थे ओया टाउन, बट हम बोले कि भाई वहाँ जाएंगे तो पूरी शाम वहीं चली जाएगी और कहीं जा नहीं सकते, एक बार गाड़ी पार्क कर लिए तो फिर वहीं रहना है। तो हम लोग हमने सोचे कि भाई थोड़ा सा घूमते हैं, हवा बहुत ज़्यादा है भाई, व्यू देखिए, व्यू देखिए, वो भाई हमारी गाड़ी और पूरा भाई आपको आवाज़ बहुत करके आ रही होगी, सो विंडी। तो भाई यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है देखिए, और भाई क्या बताऊँ, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है यार। हम एक जगह देख के पार्क कर दिए गाड़ी उधर पे, और ये है कुछ ओया टाउन। तो यहाँ का अभी बज रहा है 4, तो ये प्लान है कि आप लोगों को भाई ओया टाउन दिखाएंगे और सनसेट दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ हैं स्पेशली सनसेट देखने, और यहाँ का सनसेट पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस सनसेट होता है ओया टाउन में। तो यार भाई थोड़ी ठंडी बढ़ गई थी तो मैं जैकेट जाके कार से निकाल लिया, क्योंकि मुझे मालूम था यार टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, लेकिन हवा जो है ना वो इतनी लेवल अलग चल रही है कि ठंडी लग रही है। और ये देखिए सामने, ये है ग्रीस का फ्लैग, और पार्किंग हम वहाँ किए हैं, और अब हम जा रहे हैं ओया टाउन यहाँ से। ये एक अबेंडेंट पार्क सा है। तो यार अब हम पहुँच गए हैं सेंटोरिनी की सबसे खूबसूरत जगह। भाई ये जगह के बारे में मैं बात कर रहा था, भाई बहुत खूबसूरत है, और क्या बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ सेंटोरिनी, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये देखिए भाई, ऐसा आप कभी ना कभी फ़ोटोज़ और पिक्चर में कहीं ना कहीं देखे ही रहोगे। और यहाँ से देखिए व्यू डायरेक्ट नीचे, भाई पानी देखिए कितना ब्लू है नीचे, और यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है, सब दबा के फ़ोटो खिंचाएं। मैं तो भाई बहुत फ़ोटो खिंचाएं, आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ कैसी फ़ोटो आई है। तो बस ऐसी गलियाँ गलियाँ देख रहे हो, ये पतली पतली गलियाँ हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरा अंदर घूम रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये बहुत स्लिपरी होता है, इसमें संभाल के चलना, बहुत स्लिप करता है। तो यार मैं एक ऐसे स्पॉट पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आपको पूरा सेंटोरिनी का जो ओया टाउन है उसका पूरा एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है। ये देखिए मैं आपको यहाँ खड़े होके पूरा दिखाता हूँ भाई, ये देखिए, ये देखिए पूरा ओया टाउन है। देखिए उधर मेलिसा उधर बैठ के फ़ोटो खिंचा रही है उधर पे, और ये नीचे का व्यू देखिए भाई, यहाँ बहुत सारी मैं भी फ़ोटो खिंचाया हूँ, वहाँ भी खिंचाया हूँ। तो यार ऐसी एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते रहेंगे जो जो दिखेगा। और ये हमारे निकोला भाई, लेट्स गो देयर फ्रॉम हियर। तो देखिए भाई ऐसी पतली पतली गलियां हैं, पतली पतली सीढ़ियां, मैं अभी गिरते गिरते बचा भाई, फिर से बहुत स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही क्यूट है, ये देख सकते हो भाई, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। जहाँ से देखो यार खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, ये देखिए तुमको उस तरफ चलना है उनके पास, ये देखिए वहाँ बैठे हैं। ओ क्या यार, क्या मस्त दिख रहा है यार, क्या खूबसूरत दिख रहा है, क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को यार, मतलब हद होती है यार। ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पूरे जहाँ यूरोप का मेरा टूर था। ये देखिए जुगाड़ लग रहा है, वीडियो फोटो निकालने का जुगाड़ चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी फोटो लेने के बाद अब हम चलते हैं सनसेट देखने, सनसेट नहीं देखने शीना से लॉट ऑफ। ओह यहाँ क्या है, ये देखिए दोस आर टमाटोज, हाँ टमाटर मिल गए भाई इसे, इट इज नॉट लीगल आई थिंक टू जस्ट, दे लुक प्रीटी वाइल्ड। He is just stealing some tomatoes. It's nature, so it's not stealing. Yeah, but it's someone's nature, not ours. Is it good? Yeah.
gonna make eggs tomorrow in the morning. Yeah, I need salt. So he's gonna make eggs for us. Uh-huh. He invited us. It's good? Sweet? It's nice. It's very nice. फ्री में टमाटर तोड़ लिए वहाँ से. अब चलते हैं सनसेट देखने, क्योंकि सनसेट होगा उस तरफ, तो हमको जाना है दूसरे साइड. वेयर आर यू गोइंग नाउ? वेयर आर यू गोइंग नाउ? आई जस्ट वांटेड टू स्टेप ऑन हियर. तो चलते हैं भाई. क्योंकि सनसेट देखिए उस तरफ होगा, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं उसकी उस तरफ होगा, तो हमको उधर जाना है सनसेट अगर देखना है तो. और सारे घर देखिए, होटल है कि घर है क्या पता. ये देखिए भाई, ये हुए हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. यार मेरे पीछे का नज़ारा देखिए यार, कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं आपको क्या बार बार अच्छा अच्छा बोलो, लेकिन भाई माइंड मत करो. ये व्यू देखिए यार, मतलब पूरा सेंटोरिनी का, पूरा ओया टाउन का व्यू अच्छा मिल रहा है. और देख सकते हो पूरा सूरज इस तरफ पड़ रहा है, और हमको चलना पड़ेगा इस तरफ से. देखिए इधर सूरज दिखा, मतलब सनसेट इस तरफ होगा. और मेरे सारे पार्टनर जो कि सारे पिए हुए हैं, वो भाग गए कहीं तो भी. आई थिंक ओह दे आर देयर. फोटो, यू गाइस आर क्लिकिंग पिक्चर्स विदाउट मी. तो भाई लग रहा है हम किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में घुसे. दिस इज समवनस पर्सनल प्रॉपर्टी आई थिंक. या दिस इज आ या आ ओके थैंक यू. वी वे बैक टू द बार्स एंड एवरीथिंग. यू हैव टू गो राइट बैक अप स्टेयर्स एंड देन. तो भाई हम फ्री में किसी के भी होटल रूम में घुस रहे हैं, क्योंकि ये सब देख सकते हो सारे रूम हैं, ये सारे पर्सनल रूम हैं, और हम किसी के रूम में घुस जा रहे हैं. या दिस ऑल आर होटल, दिस आर पर्सनल रूम्स. तो हम ऐसी कहीं भी किसके भी यहाँ घुस जा रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए. तो यार जैसे ही सनसेट का टाइम हो रहा है, लोग देख रहे हो भाई कितने बढ़ रहे हैं, भीड़ हो रही है लिटरली, देख सकते हो ट्रैफिक जैम हो गया है. पीपल आर जस्ट It's too crowded. देखिए भाई पूरा भरा हुआ है. तो यार मेरे साथ वाले पार्टनर ये सब देख रहे थे, लोग लड़की लोग जो थे साथ में वो ये सब देख रहे थे. मैं बोला भाई यहाँ 10-10 euro, 8-8 hazar rupees का एक छोटा सा है, इंडिया जाओगे तो 5 rupees का मिलेगा. क्योंकि देखिए भाई ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है. तो यार हम पहुँच गए हैं सनसेट की जगह पर, आप लोगों को दिखा दूंगा भाई. तो आप लोग बोलोगे क्या ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको वेट नहीं कराता हूँ, दिखा देता हूँ. ये देखिए भाई, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को. ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. और मेरे हिसाब से वो मेन स्पॉट है उधर पे, लेकिन इधर से भी देखिए यार. तो यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यार, और खूबसूरत हो जा रहे हैं. मतलब आप एक बार तो ज़रूर यहाँ आइए यार, बहुत ही मस्त है. हमको शायद वहाँ जाने, क्योंकि वहाँ पे सबसे मेन स्पॉट है. इधर से देखिए भाई, तो चलते हैं हम आगे. ठीक है, हमको वहीं जाना है. तो यार यहाँ सनसेट पॉइंट पे पूरे कपल बैठे हुए, और पूरी गंद मचा रखी है भाई. देखिए ये पूरा ताला वाला लगा के रखे हैं, जैसे पेरिस में था ना वैसा पूरा ताला लगा के रखे हैं. ये देखिए पता नहीं क्यों लगाते, क्या मिलता है. देखिए पूरा जंग पड़ गया है, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का. काफ़ी भीड़ है, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है. तो थोड़ा टाइम हम क्या करते हैं, चलेंगे आगे. तो यार बहुत सोच विचार करने के बाद, क्योंकि हम जगह ढूंढ रहे हैं, सब जगह फुल है सनसेट देखने के लिए. वहाँ गए थे हम मेन पॉइंट पे, वहाँ पूरा फुल है. तो डिसाइड किया कि ये जो कैफ़े रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो, और यहाँ से प्रॉपर सनसेट दिखेगा. तो चलते हैं इधर, देखते हैं जगह मिलती है या नहीं. जगह नहीं मिलेगी तो कहीं और जाना पड़ेगा, देखते हैं. ये देखिए तीनों. तो यार हम इस रेस्टोरेंट में गए थे, यहाँ बोले कि भाई आपको अगर बैठना है तो एटलीस्ट एक आदमी को 50 euro का खाना पड़ेगा, मतलब एक आदमी को 4000 का खाना पड़ेगा. तो हम चार लोग हैं, कम से कम 16000 rupees अगर यहाँ खर्चा करेंगे तो यहाँ बैठ सकते हैं 16000 सनसेट देखने के लिए. तो हम यहीं कहीं बैठ के देख लेंगे. देखिए ये कुछ रेस्टोरेंट था, और हम उतर रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ. वो रेस्टोरेंट इतना महंगा था कि हम यहाँ के बैठ गए हैं. यहाँ देखिए यहाँ बैठ के आराम से सनसेट देखेंगे, एकदम परफेक्ट जगह है भाई. ये देखिए एकदम सामने सनसेट देखेगा, और कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये देखिए सारे लोग यहीं नीचे बैठे हैं. हम भी देखिए मेरा बैग यहाँ रख दिया, और यहाँ आराम से बैठेंगे सनसेट. आप लोगों को भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या वो बनता है प्लान. यार हम यहाँ बैठे हैं सनसेट के लिए, बट एक प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है.
वो प्रॉब्लम ये है कि देखिए भाई, जो सूरज है बादल पूरा कवर कर रहा है तो सनसेट नहीं दिखेगा। फिर देख सकते हो आप सारा यहाँ छांव जैसा हो गया है, सूरज बस छुपने वाला है बादल से। यार फिर भी बहुत अच्छी जगह, देखिए यहीं बैठे हैं सामान वामान रख के आराम से, और बहुत ही सुकून है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो यार यहाँ ज़्यादा रुके नहीं, बस 10-15 मिनट रुके, अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि भाई यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है, बहुत लोग आने लगे हैं यहाँ पर। लोग हैं भाई,